बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n+1 रेशियो 4n+27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। हमें रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज दिया है, क्योंकि टू एपीज हैं, तो इसमें हम लिख लेंगे AP1 एंड देन AP2। अब ये मान लेते हैं कि फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म ए है और फर्स्ट टर्म सेकंड AP की कैपिटल ए ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म हो गई। और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट AP का स्मॉल लेटर डी और सेकंड AP का कैपिटल डी ले लेते हैं। ये दो APs अलग अलग APs हैं, तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग रहेगा। ओके, अब हमें रेशियो लेना किसका, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी का, दोनों एपी की एन टर्म्स के सम का। तो मान लेते हैं एस एन है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी और एस प्राइम एन है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, एन टर्म्स सेकेंड एपी का। और इसका रेशियो क्या दिया है, एस एन अपॉन एस प्राइम एन इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। ये बच्चा हमें गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से समझना, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ mth टर्म ऑफ टू एपी। अब mth टर्म ऑफ टू एपी के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस फॉर्मूला जो मैं अभी सर्कल किया है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एपी के लिए ए एन की जगह एन आएगा, ए की जगह स्मॉल ए, स्मॉल लेटर ए होगा, और एन की जगह एम, क्योंकि mth टर्म निकाल रहे हैं तो एन की जगह एम आ जाएगा, -1 और डी की जगह कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी हो गया। देखो AP1 का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है अपॉन, अब जो सेकेंड AP है उसकी फर्स्ट टर्म ए थी, तो इसमें हम कैपिटल ए एम लेंगे, इधर कैपिटल ए एम, इस साइड में फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP ए है, एन की जगह एम लेंगे क्योंकि mth टर्म लेनी है हमें, दोनों AP की mth टर्म लेनी है, तो इसलिए फर्स्ट AP की भी एम, एन की जगह एम आएगा और सेकेंड AP में भी एम की जगह एम आएगा, -1। और डी क्या है, सेकेंड AP का कैपिटल डी, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चा ध्यान देना, अब एस एन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP, तो वो होता है एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a+n-1 डी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें अगर हम वैल्यू डालें तो बच्चा एस एन की जगह एन अपॉन टू आएगा, क्योंकि फर्स्ट AP सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स है फर्स्ट AP की एस एन, तो एन अपॉन टू 2 into a, इधर स्मॉल ए लिया की फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म, n-1 क्योंकि एन दोनों AP का एन सेम रखना है, क्योंकि एन टर्म्स ऑफ टू AP बोला है, दोनों AP में एन हमें सेम रखना है। और डी, डी स्मॉल डी लेंगे एक, क्योंकि हम फर्स्ट AP के लिए अभी कर रहे हैं, अपॉन अपॉन एन अपॉन टू, एन अपॉन टू इन ब्रैकेट टू, अब सेकेंड AP का एस प्राइम एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। अब सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, तो इधर 2a आ जाएगा, और n-1 एन तो एन ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड AP का भी सम ऑफ एन टर्म्स है, दोनों AP की एन टर्म्स ही लेनी है, तो इसलिए एन दोनों में सेम आया, और इसका कॉमन डिफरेंस सेकेंड AP का डी हो गया, कैपिटल डी। और ये इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू होगा जो हमें गिवन है, 7n+1 अपॉन 4n+27। अब देखो बच्चा एन अपॉन टू और एन अपॉन टू कट हो जाए। अब देखो बेटा, अब हमें रेशियो किसका निकालना है, ए एम अपॉन कैपिटल ए एम का। और इधर इसमें अगर इसको कंपेयर करें इससे, तो इधर 2a है इधर a है, और नीचे कैपिटल 2a है, और जो हमें लाना है उसमें स्मॉल a है, तो यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो हमें इस 2 को किसी तरह से हटाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ईच टर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की ईच टर्म को इन LHS पार्ट, LHS से ये क्वेश्चन है, LHS है, ये RHS है, को 2 से डिवाइड कर दो। देखो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, ये भी 2, यहाँ भी 2 लिखूंगा, ईच टर्म के नीचे 2 और 2। देखो बच्चा, अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो फ्रैक्शन जो है ना इक्वल रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये माइंड में रखना। ये हमने जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ऑब्टेन होती है, बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, या फिर मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस n-1 अपॉन 2 स्मॉल d अपॉन अपॉन, अब इधर से ये 2 और 2 कट जाएगा, कैपिटल ए प्लस n-1 अपॉन 2 कैपिटल d इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। तो ये क्यों 2 से डिवाइड किया ये मैंने भी बताया, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको सेम कर दिया। अब देखो बच्चा,
ये वाला पार्ट कंपेयर करो ध्यान से, ये पार्ट ये एक इक्वल है कि नहीं? यस सर है। और इसी तरह से कैपिटल ए इधर है, इधर भी कैपिटल ए है, ये सेम है, लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है बच्चा? इधर एन माइनस वन अपॉइंट टू है, लेकिन इधर क्या है? एम माइनस वन अपॉइंट टू। और ऐसे डिनोमिनेटर में भी इधर एन माइनस वन अपॉइंट टू है, लेकिन इधर एम माइनस वन है। तो अगर इधर एम माइनस वन किसी तरह से ले आए, एन माइनस वन अपॉइंट टू की जगह क्या ले आए? एम माइनस वन, न्यूमेटर डिनोमेटर दोनों में, तो ये बन जाएगा, ये टर्म आ जाएगी ना, और इज इक्वल टू जो यहाँ पर आएगा आर एच एस में, वो उसका रेशियो हो जाएगा, यानी कि एम ए टर्म का रेशियो में मिल जाएगा। तो हम अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें एन की ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो हम इसमें डालें, एन माइनस वन अपॉइंट टू में डालें, और ये जो एन माइनस वन अपॉइंट टू है किसके इक्वल हो जाए? एम माइनस वन के इक्वल हो जाए। तो ऐसी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सीधी सी बात है कि एन माइनस वन अपॉइंट टू को एम माइनस वन के इक्वल लिखना होगा। अब देखो बच्चा, इधर एन माइनस वन अपॉइंट टू है, ये एक्चुअली क्या है? डिवाइड का ही साइन है ना, तो इधर डिवाइड है तो एल एच एस से आर एच एस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ होगा एन माइनस वन इज इक्वल टू एम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू। तो एन माइनस वन, अभी टू एम से भी मल्टीप्लाई होगा और वन से भी होगा, होगा टू एम माइनस टू। अब एन की वैल्यू लेने के लिए बच्चा, एन की वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना होगा? टू एम माइनस टू में से जो ये माइनस वन एल एच एस में है ना, ये आर एच एस में जाके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आई? टू एम माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू टू एम माइनस वन हो। अब अगर हम वैल्यू डालें तो देखो बच्चा, ए तो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब एन माइनस वन अपॉन टू की जगह हम क्या एम माइनस वन लिख सकते हैं? देखो इधर, क्योंकि हमने एन माइनस वन अपॉन टू को किसके इक्वल लिया था? एम माइनस वन के, और इसी से ही एन की वैल्यू निकाली थी। तो हम डायरेक्टली एन माइनस वन अपॉन टू को एम माइनस वन के इक्वल लिख देंगे, ठीक है? एन माइनस वन अपॉन टू को एम माइनस वन के इक्वल लिख देंगे। और अगर हम वैल्यू एन की वैल्यू डाल के करेंगे भी ना, तो भी हमें वापस एम माइनस वन ही मिलने वाला है। तो इससे बेटर है कि आप एन माइनस वन अपॉन टू की जगह डायरेक्टली एम माइनस वन लिख दो, और इधर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ए प्लस, इधर भी एन माइनस वन अपॉन टू की जगह क्या लिख दोगे? एम माइनस वन, और इधर क्या आएगा? कैपिटल डी। लेकिन आर एच एस में हमें एन की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो इधर आ जाएगा टू एम माइनस वन और प्लस वन अपॉन, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी डाल दो वैल्यू, एन की जगह टू एम माइनस वन डाल दो, प्लस 27। अब देखो ए प्लस एम माइनस वन डी को ऐसे ही रहने दो, अपॉन डिनोमिनेटर में भी एज इट इज लिख दो, कैपिटल ए प्लस एम माइनस वन कैपिटल डी। अब इसको सॉल्व करना है आर एच एस को, तो 7 को 2m से करेंगे तो 14m आएगा, 7 को माइनस वन से करेंगे तो माइनस सेवन आएगा, और प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में आप देखो 4 इंटू 2m 8m, 4 इंटू माइनस वन माइनस फोर प्लस 27। अब ध्यान दो बच्चा, a प्लस एम माइनस वन डी, स्मॉल लेटर a प्लस एम माइनस वन डी, स्मॉल स्मॉल लेटर d है, किसके इक्वल है? देखो यहां से ऑब्जर्व करो, a प्लस एम ए एम के इक्वल है ना, स्मॉल ए एम के, और ये क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी, तो इसकी जगह हम ए एम लिख देते हैं, और कैपिटल लेटर ए प्लस एम माइनस वन और इंटू कैपिटल लेटर डी किसके इक्वल है? ए प्लस एम माइनस वन डी, इसमें ए और डी कैपिटल लेटर है, तो वो है कैपिटल लेटर ए एम के इक्वल, कैपिटल ए एम के इक्वल, और कैपिटल ए एम किसको रिप्रेजेंट करता है? एम एथ टर्म ऑफ सेकेंड ए पी, तो इन दोनों का रेशियो हो गया। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर ए एम यानी कि एम ए टर्म ऑफ सेकेंड ए पी, तो दोनों ए पी का रेशियो बन गया, इज इक्वल टू क्या है रेशियो? अब इधर हमें सॉल्व करना है, 14m को ऐसे लिखो, माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स हो जाएगा, अपॉन 8m को ऐसे लिखना है हमें, माइनस फोर प्लस 27, माइनस फोर प्लस 27, तो ये हो जाएगा प्लस 23। सो रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें रेशियो फाइंड करना था दोनों की एम एथ टर्म का, रेशियो ऑफ एम एथ टर्म्स इज इक्वल टू 14m माइनस सिक्स इज टू 8m प्लस 23, ये हमारा आंसर है।